Hello and welcome to your own YouTube channel English Mantra with BM sir. Hello friends, how are you? Are you fine? Friends, wise persons have said a very important proverb that confidence is key to success. Self-confidence is key to success. बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है. I just want to describe how self-confidence is key to success. You know guys, self-confidence grows the positivity in the person's brain. Self-confidence grows internal and external powers. Self-confidence grows mental and physical powers. Self-confidence grows the success chances. And self-confidence just makes us move towards the goal very rapidly or very proficiently. तो साथियों, हमें आत्मविश्वास बना के रखना है. ये हमारे लिए अंदर से पावर देता है आत्मविश्वास. आत्मविश्वास का मतलब है कि इस काम को आई कैन डू दिस, इस काम को मैं कर सकता हूँ एंड वेरी परफेक्टली, बहुत ही अच्छी तरह से मैं कर सकता हूँ इस काम को. दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बना के रखेंगे एंड आई नो दैट यू आर जस्ट वर्किंग ऑन लर्निंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल. तो साथियों, इसी कड़ी में एज यू नो दैट वी हैव लर्न मैनी स्ट्रक्चर सो फार, इसी कड़ी में हम एक बात और करते हैं. अभी तक हमने देखा था कि हमने एक प्रश्न बनाया था या एक सेंटेंस था, मैं चाय पीता हूँ, वह चाय पीती है, वह चाय पीता है, वे चाय पीते हैं, आप चाय पीते हो, मैं चाय पीता हूँ. लेकिन बट वेन एनी गेस्ट कम्स टू अवर हाउस, कोई अतिथि हमारे घर पर आ जाए, तो इट्स ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट हिज डिज़ायर अबाउट टेकिंग टी. कोई अतिथि हमारे आ जाए तो उनसे हम पूछते हैं, उनसे पूछना हमारी जिम्मेदारी है कि क्या आप चाय पीते हो. तो व्यक्ति कहते हैं यस पीते हैं, तो उनके लिए बना लाएंगे. नहीं पीते तो हम पूछें क्या आप कॉफ़ी पीते हो, क्या आप दूध पीते हो, क्या आप सिकंजी लेमनेड लेते हो और समथिंग एल्स जो भी लेते हो. उनकी मान मनोहार, दिस इज़ द ट्रेडिशन एंड कल्चरल इफेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर. तो साथियों, कोई भी अतिथि हमारे यहाँ आता है तो उनसे हम पूछते हैं क्या आप चाय पीते हो. सेंटेंस है क्या आप चाय पीते हो, दिस इज़ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में डला हुआ है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं. क्या आप गाना गाते हो, क्या आप स्मोक करते हो, क्या आप मंदिर जाते हो, क्या आप मस्जिद जाते हो, क्या आप पूजा करते हो, क्या आप प्रार्थना करते हो, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप खेलते कूदते हो, क्या आप जॉब करते हो. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कैन वी आस्क्ड थ्रू दिस स्ट्रक्चर. ये क्वेश्चन है और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वर्क ऑन मेकिंग दिस क्वेश्चन, क्या आप चाय पीते हो. तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसा कि आप जानते हो, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर यू है. यू सब्जेक्ट है हमारा यू, और आपको सब्जेक्ट से पहले एक टाइम वर्ड जोड़ना होगा जिसे आप हेल्पिंग एक्शन कह सकते हैं या टाइम वर्ड कह सकते हैं. तो क्या आप चाय पीते हो, यू के बाद अगर एक्शन आ रहा है तो यू सब्जेक्ट से पहले एक टाइम वर्ड आ जाएगा प्रेजेंट के लिए डू. यू से पहले डू आ जाएगा. इतनी सी आप अभ्यास कर लो, क्या आप, क्या आप, क्या वह करता है, क्या वह करती है, इनके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे. तो क्या आप ऐसा करते हो, तो डू और यू इसको लेकर आप क्वेश्चन बनाएंगे. डू यू चाय पीने के लिए एक्शन हमने क्या बताया था, टेक टी. बस नाउ इट्स योर जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस मैनी मोर टाइम्स अबाउट द स्ट्रक्चर्स दीज आर गिवन बाई मी हियर. तो आप इसको बोल के अभ्यास कर सकते हैं. डू यू टेक टी, बोले मेरे साथ, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, Do you take tea? Do you take tea? Do you take tea? इसको ढंग से बोलें, इस वर्ड को डू के बजाय डू, डू. इसको हल्का सा अ और उ की साउंड मिक्स करके बोलने की कोशिश करें. Do you take tea? Do you take tea? क्या आप चाय पीते हो? Do you take tea? क्या आप दूध पीते हो तो क्या करोगे? Do you take milk? ऑब्जेक्ट बदलेंगे. Do you take milk? बोलो फिर से मेरे साथ. Do you take milk? Do you take milk? Do you take milk? क्या आप जूस पीते हो? Do you take juice? Do you take juice? क्या आप कॉफ़ी पीते हो? Do you take coffee?
डू यू टेक कॉफी, क्या आप आइसक्रीम खाते हो, डू यू टेक आइसक्रीम। हमने ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब भी बदला है, एक्शन भी बदला है, टेक का मतलब खाना भी होता है, तो डू यू टेक आइसक्रीम, डू यू टेक आइसक्रीम। क्या आप पाव भाजी खाते हो, डू यू टेक पाव भाजी, डू यू टेक पाव भाजी। इस तरह से हम लेंगे इस डू यू को। क्या आप मंदिर जाते हो, डू यू, तो हम एक्शन लेंगे, यहाँ मैंने कुछ एक्शंस लिखे हैं, गो टू टेम्पल, इसे ऐड करेंगे यहाँ पर, डू यू गो टू टेम्पल। क्या आप मंदिर जाते हो, क्या आप होमवर्क करते हो, तो एक्शन की जगह चेंज लाना है, डू यू, करना डू होता है, डू होमवर्क, इसको हम लिख लेते हैं, डू यू डू होमवर्क, एच डब्ल्यू लिखा है मैंने। आप कहेंगे सर वी हैव टू डूज हियर इन वन सेंटेंस, दिस इज वेरी कन्फ्यूजिंग, डू यहाँ आ गया, डू यहाँ आ गया, तो दिस इज टाइम वर्ड जो प्रेजेंट को बता रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन वही होगा जिसमें सब्जेक्ट से पहले उसका टाइम वर्ड आएगा, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। दीज आर 24 इन नंबर, जिनमें से 11 प्राइमरी एंड 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनको टाइम वर्ड हम कहेंगे, जो सब्जेक्ट से पहले आती हैं और क्वेश्चन का निर्माण करती हैं, फॉर्म करती हैं। ये डू एक्शन है, एक्शन। इस डू का अर्थ होता है करना, टाइम वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता, वो केवल टाइम बताता है, लेकिन एक्शन का अर्थ होता है करना। डू यू डू, क्या आप करते हो, होमवर्क, डू यू डू होमवर्क। क्या आप कंप्यूटर करते हो, डू यू डू कंप्यूटर। क्या आप जॉब करते हो, डू यू डू जॉब, डू यू डू जॉब। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी कैन मेक सेंटेंस लाइक, क्या आप कभी गलती करते हो, तो डू यू एक्शन की जगह क्या करोगे, यहाँ मैंने एक एक्शन लिखा है कमिट मिस्टेक, C-O-M-M-I-T, कमिटमेंट, नेगेटिव कार्य को करने के लिए डू के बजाय कमिट ज़्यादा बेटर है, तो कमिट मिस्टेक। क्या आप गलती करते हो, डू यू कमिट मिस्टेक। क्या आप गलती स्वीकार करते हो, तो स्वीकार करने के लिए एडमिट यूज करेंगे, डू यू एडमिट मिस्टेक। डू यू वाला स्ट्रक्चर है, एक्शन चेंज करो, डू यू एडमिट मिस्टेक, डू यू एडमिट मिस्टेक। क्या आप गलती में सुधार करते हो, डू यू रेक्टिफाई मिस्टेक। यहाँ पर जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, These are the words of the active vocabulary list. Active vocabulary जिसमें लगभग 1000 शब्द होते हैं, उसमें से लिए गए शब्द हैं, that I will just give you every day according to structures. तो मैंने उन 1000 वर्ड्सों को डिवाइड कर रखा है अपनी कुछ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में। रोजाना मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देता रहूँगा, प्रिपेयर दीज वर्ड्स एज वेल, साथ में इनको तैयार करते रहें। तो क्या आप गलती को सुधार करते हो, डू यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। ओके, जब भी गलती हो जाती है ना हमसे, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, तब हम क्या बोलते हैं। पिछली क्लासेस को जानने के लिए स्पोकन इंग्लिश का हमारा प्लेलिस्ट है, वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे प्लेलिस्ट वीडियोस देख सकते हो, इस प्लेलिस्ट के, स्पोकन इंग्लिश के। इसके अलावा आप ग्रामर देखना है तो डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगा, लिटरेचर देखना है डिफरेंट प्लेलिस्ट में लिखेगा, और साइको के लेसन्स देखने हैं मनोविज्ञान के, वो डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ हम कहते हैं आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तो आपको बोलना है आई बेग योर पार्डन। बोलने की प्रैक्टिस करो ज़रा, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। कोई आपसे इस तरह माफ़ी मांग रहा है तो आप क्या कहोगे, इट्स ओके, या फिर क्या कहोगे, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, या फिर कभी कह देते हैं हम नो मेंशन, कोई बात नहीं, सॉरी वॉरी मत बोलो मेरे सामने, नो मेंशन, नो मेंशन, ये चीज़ हम वहाँ डिस्कस करते हैं, ओके। और एक बात और होती है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, तो एक सेंटेंस हम करते हैं आई थिंक सो, एस ओ सो, आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। इसी का एक डिफरेंट सेंस भी है, यार मुझे ऐसा लगता है, तो लगने के लिए क्या करेंगे हम, दैट द सेम थिंग वी हैव टू यूज हियर, तो वो रहेगी आई थिंक सो, मैं डिफरेंट लिख देता हूँ, आई थिंक सो, इसका अर्थ है मैं ऐसा सोचता हूँ। एंड सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज मुझे ऐसा लगता है, लगने के लिए हम थिंक यूज करेंगे, क्योंकि लगने का मतलब इन अ डिफरेंट सेंस, दिस इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, या फिर इसके लिए हम कहते हैं इट सीम्स टू मी, सीम्स मीन्स प्रतीत होना, इट सीम्स टू मी, इट अपीयर्स टू मी, इट लुक्स टू मी, इन सब का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ, ओके।
और जब भी हम दूसरों से अलग होते हैं साथियों, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज मैनर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच वी हैव टू और वी शुड यूज मैनी ऑफन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे हम दूसरों से अलग होते हैं तो कहते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो, हम ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं उनके लिए, तो उनसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं Have a nice day and being the student of spoken English, you should practice this phrase 4 to 5 times with me. तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे Have a nice day या कभी कभी कह देते हैं Have a nice time कोई कहीं जा रहा हो जर्नी या यात्रा पर तब कहते हैं Have a nice journey आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो, तब हम क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ Have a nice day। ये चीज़ यहाँ पर बोली जाएगी Have a। और एक चीज़ और, दूसरों से हम कहते हैं यार फिर मिलेंगे, तो हम कहते हैं See you again। फिर मिलेंगे तो सेंटेंस होगा See you again। इसी की जगह पर बाद में मिलेंगे या इस तरह से हम कह देते हैं कभी Catch you later या meet you later। meet means भी मिलना होता है, see का मतलब देखने के अलावा मिलना भी होता है, catch का मतलब पकड़ने के अलावा मिलना भी होता है, तो इसी सेंस में आप यूज कर सकते हैं See you again। इसको भी बोलने का अभ्यास करें Catch you later। तो साथियों कुछ वोकेबलरी या इम्पोर्टेंट एक्टिव वोकेबलरी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं आपके लिए जोड़ना चाहूँगा। अगर यहाँ हम यू के अलावा ही से क्वेश्चन करें तो क्या होगा, क्या वह चाय पीता है तो हमने क्वेश्चन बनाया, क्या आप चाय पीते तो सेंटेंस था डू यू टेक टी। ओके, इसका आंसर देना मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं चाय पीता हूँ आई टेक टी, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हमने बनाए। क्या वह चाय पीता है तो यही हम वह के लिए ही यूज करेंगे, और वह चाय पीती है कोई लड़की वगैरह है तो शी यूज करेंगे, तो यहाँ हम डू ना लगा करके डज लगाते हैं, डज ही एक्शन क्वेश्चन मार्क, क्या वह चाय पीता है एक्शन, डज ही टेक टी, डज ही टेक टी, ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो वी हैव टू एक्शंस हियर और टू स्ट्रक्चर्स हियर, एक तो आपको स्ट्रक्चर यूज करना है डू यू एक्शन, क्या आप चाय पीते हो इस तरह के वाक्य, सेकंड इज डज ही एक्शन, क्या वह करता है, तो हम इसका आंसर दे रहे थे ही एक्शन में एस ई एस लगाते हैं, जैसे टेक में लगाया एस, ही टेक्स टी, वह है चाय पीता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे इधर। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इंग्लिश रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं कि मैं उस पर काम करूं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, आई विल श्योरली और डेफिनेटली वर्क ऑन योर एडवाइस। तो साथियों ये प्लेलिस्ट आपको अच्छा लग रहा हो, स्पोकन लैंग्वेज सीखना आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताएं सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस एट 8 PM एवरीडे। तो साथियों सी यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।